कच्चे आम के फ्लेवर की दो ऐसी अनोखी नई रेसिपी जिसे देखकर आप बनाए बिना रह नहीं पाएंगे। इतनी ज्यादा स्वादिष्ट और तरीका देखकर तो हैरान होने वाले हैं बिना किसी मशीन और सांचे के। तो वीडियो तो आप सभी को बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है, बस वीडियो को एंड तक देखना। इस वीडियो से आपको आइडिया भी काफी मिलने वाला है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर लिए है दो कच्चे आम। अब इनका हम पहले छिलका निकाल लेंगे और इसका छिलका थोड़ा हल्का ही निकालेंगे, पतला जितना हो उसके, ज्यादा मोटा कट नहीं करेंगे। हल्का ग्रीन सा दिखाई देगा तो अच्छा रहेगा, बाद में ग्रीन कलर अच्छा आता है इससे। अब ऐसे ही नॉर्मल पीसेज कट कर ले, बस ऐसे ही सभी के देखे हमने पीसेज कट कर लिए। अब इसको पीसना आप चाहे तो यहाँ पर मिक्सर जार के अंदर डालकर पीस सकते हैं या फिर ऐसे चॉपर के अंदर डालकर पीस सकते हैं, तो इसमें भी एकदम अच्छा से पीस जाता है। तो यहाँ पर हम पहले ऐसे ही पीस लेते हैं बिना पानी डाले। अगर आपको लग रहा है तो यहाँ पर एक से दो चम्मच पानी भी डाल सकते हैं, एकदम अच्छे से बारीक पीस लें। और यहाँ पर देखिए हम चेक कर लेते हैं तो एकदम अच्छा बारीक पीस गया, कोई भी बड़े ऐसे पीसेज नहीं दिख रहे। थोड़ा सा हम चेक कर लेते हैं तो यहाँ पर देख कर आप पता चल रहा कितना बारीक एकदम अच्छा सा हो गया। तो आप इसको छान लेंगे ऐसे छन्नी के ऊपर, या तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है छानने की। देखने में तो एकदम बारीक और अच्छा से बनकर तैयार हो गया, लेकिन थोड़ा सा छान लेते हैं फिर भी अगर कोई बड़े पीसे हुए निकल जाएंगे। और छानने का देखिए यही फायदा है कि एकदम अच्छा सा स्मूथ बनकर तैयार हो जाता है। इसके अंदर कोई रेसे होंगे तो ऊपर रह जाएंगे, तो यहाँ पर इसमें ऐसा कुछ भी नहीं निकला, एकदम अच्छे से पूरा छनकर तैयार हो गया। तो यहाँ पर देखिए इसको तो हमने तैयार कर लिया। अब इसमें एक अच्छा सा फ्लेवर देने के लिए यहाँ पर मैंने एक पुदीना लिया, थोड़ा सा इसको पीस लेंगे। इसी के साथ में कुछ चीजें और ऐड करें, थोड़ा सा डाल देंगे हरा धनिया, इसके बाद डाल देंगे दो से तीन हरी मिर्च। इन सब चीजों से एक अच्छा सा ग्रीन कलर भी आएगा और फ्लेवर भी, साथ में लहसुन की कलिया और अदरक के पीसेज भी डाल देंगे। और आलू को मैंने बॉइल करके लिया है तो यहाँ पर दो आलू को डाल देंगे और इन सबको अच्छे से एकदम पीस लेंगे और चटनी के जैसे इसे बनाकर तैयार कर लेंगे। देखिए इसको हमने पीस कर तैयार कर लिया और एकदम चटनी जैसा तैयार हो गया। यहाँ पर आप चाहे तो छान सकते हैं, इसे ऐसे भी डाल सकते हैं, एकदम बारीक अच्छे से देखिए पीस लिया। तो यहाँ पर इसके अंदर कुछ भी नहीं निकलेगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम छान लेते हैं। इससे क्या होगा, एक अच्छा सा ग्रीन कलर भी आएगा और एक फ्लेवर भी आएगा इसके अंदर, जो हमने पुदीना हरा धनिया हरी मिर्च लहसुन अदरक डाला इन सबका एक अच्छा सा फ्लेवर भी आता है। और ये देखिए अच्छा सा ग्रीन कलर भी आ गया। अगर आप डालना चाहते हैं थोड़ा सा फूड कलर भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा अच्छा सा कलर आ जाएगा एकदम अच्छा सा ग्रीन, जैसे मैंगो का कलर होता है कच्चे आम का, बस ऐसा ही अगर आपको चाहिए तो डाल सकते हैं। बाद में ये थोड़ा सा लाइट हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर हम कुछ चीजें और ऐड करेंगे। तो यहाँ पर डाल देंगे पहले एक कप बेसन और इसको पहले हम मिक्स करेंगे, उसी के साथ में कुछ चीजें और ऐड कर देते हैं। नमक, थोड़ा सा अजवाइन को पिसी हुई लिया, उसके बाद धनिया पाउडर, और आप चाहे तो इसके अंदर कुछ और मसाले डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। तो पहले हम इसको ऐसे ही मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। और यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ये पतला ही लग रहा है, तो इसके अंदर थोड़ा सा डाल देंगे यहाँ पर तीन से चार चम्मच चावल का आटा। चावल के आटे से एकदम क्रिस्पीपन भी आता है, तो थोड़ा सा अगर आपके पास है तो डाल दे, या फिर आप चाहे तो चावल के आटे के बिना भी बना सकते, खाली बेसन का इस्तेमाल करके। थोड़ा ऐसा ही बैटर देखिए आपको तैयार करना है, ज्यादा पतला और ज्यादा थिक भी नहीं, थोड़ा ऐसा ही तैयार करना है। आप देख सकते हैं बैटर ऐसा ही रखना है। अब इसके बाद देखिए हमने यहाँ पर एक कपड़ा लिया है, तो थोड़ा सा ऐसे चिकना कपड़ा होता है ना, साटिन का आप वो ले सकते हैं, ऐसे सिल्की कपड़ा, तो ऐसा ही होना चाहिए, ज्यादा पतला या फिर जालीदार कपड़ा नहीं होना चाहिए। अब इसके कटोरी के ऊपर रखेंगे, ऐसे थोड़ा सा खींचकर नीचे की तरफ पकड़ लेंगे। अब इसके बाद सुई को गर्म करेंगे, जो बड़ी सुई रहती है उसको गर्म करके आप ऐसे छेद करें, हल्का सा राउंड में ऐसे घुमाएंगे तो एकदम अच्छा सा छेद बनकर देखिए तैयार हो जाता है। इसी तरीके से आप और बीच बीच में ऐसे ही गर्म करके आप छेद कर ले, तो यहाँ पर ज्यादा बड़े छेद नहीं करने, थोड़े इसी टाइप के छोटे छेद बनाकर ऐसे राउंड में तैयार कर ले। तो यहाँ पर अगर आपके पास सुई नहीं है तो आप कोई भी नुकीली चीज लेकर इस तरीके से गर्म करके छेद कर ले, बिल्कुल अच्छे से देखिए छेद तो हमारे हो गए। तो यहाँ पर इतने करने, इसे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर ये तो हमारा तैयार है। अब एक तरीका और बता देती हूँ, आप कोई भी ऐसे खाली पैकेट ले सकते हो, उसके अंदर भी बना सकते हैं ऐसे छेद करके गर्म करके देखिए। तो इसमें मैंने पहले से एक साइड में नीचे की तरफ छेद कर लिए थे, इससे भी एकदम अच्छा बनता है। लेकिन हम पहले ऐसे कपड़े से बनाएंगे, तो यहाँ पर जब हमने छेद किए उसके ऊपर हल्का सा ऐसे ऑयल लगा लेंगे, बस यहाँ पर ही थोड़ा सा लगाना आसपास। इससे होगा क्या कि आपके बैटर चिपके का नहीं, ऐसे ब्लॉकेज नहीं होगा, जब आप बनाएंगे तो आसानी से निकल जाएगा। अब इसके अंदर बैटर डाल लेंगे अच्छे से। अब इसको ऐसे एक साइड से ऊपर की तरफ उठाकर ऐसे करेंगे तो राउंड में घुमाकर ऐसे सेट कर लेंगे। तो यहाँ पर हल्के से ऐसे गांठ भी लगा सकते हो ऊपर। और यहाँ पर देखिए तेल हमारा गर्म हो गया। अब इसके बाद जो हमने पोटली सी बनाकर रखी थी ऐसे डालकर बैटर, उसको ऐसे राउंड में घुमाते जाएंगे, हल्का सा दबाते जाएंगे, तो देखिए इतनी अच्छी सेव बनकर तैयार हो जाती है और ज्यादा मेहनत भी नहीं लगती, बिल्कुल आसानी से ऐसे बन जाती है। जितना भी आपको डालना हो उस हिसाब से आप ऐसे डाल ले दबाकर। और यहाँ पर कुछ सेकंड के बाद ऐसे हम इसको ऐसे टच नहीं करेंगे, पकाएंगे थोड़ा अच्छे से। तो यहाँ पर जब आप डाल रहे हैं तो थोड़ा तेल आपका गर्म ही होना चाहिए, ज्यादा ठंडा नहीं, और बाद में आप थोड़ा मीडियम करके इसको पका ले एकदम क्रिस्पी होने तक। तो जैसे ही थोड़े से पकना शुरू हो जाते हैं, बस एक मिनट के बाद इसको ऐसे छेड़ेंगे, हम चेंज करेंगे इसकी साइड और बीच बीच में हिलाते रहेंगे तो एकदम अच्छे से पक जाएगी। तो यहाँ पर आपको देखने से ही पता चल जाएगा कितनी क्रिस्पी और अच्छी बनती है। तो यहाँ पर पकाने का समय वही 5 से 7 मिनट का होता है और एकदम अच्छी बनती है। तो यहाँ पर देखिए अच्छे से पक चुकी है। तो यहाँ पर अच्छे से पकाने के बाद ही आप इसको निकालें।
अगर आपको ज्यादा डार्क कलर चाहिए तो आप और भी पका सकते हैं, लेकिन एकदम क्रिस्पी और अच्छे से ये पक चुकी है, तो देखने से आपको पता चल रहा होगा कितनी क्रिस्पी और अच्छी बनी है। तो है ना बिल्कुल आसान सा तरीका, और इसी तरीके से आप बनाकर तैयार कर ले, बस थोड़ा सा मैं आपको और दिखा देती हूँ। तो इसे आप बनाएंगे ना तो आपको मजा ही आने वाला है, इतना आसान तरीका तो आपने कहीं देखा भी नहीं होगा और आप इसे फटाफट बना पाएंगे। और खाने में तो ये इतनी ज्यादा स्वादिष्ट बनती है, एकदम क्रिस्पी, कच्चे आम की खट्टी, चटपटी, नमकीन, ऐसे सेव बनकर तैयार हो जाती है, बहुत ही ज्यादा अच्छी बनती है। आप इसे एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाना पसंद करेंगे, और बनाने में तो देखा कितना आसान, बिना किसी मशीन और सांचे के आप एकदम अच्छे सेव घर पर बना सकते हैं। तो इसी तरीके से देखिए हमने बनाकर तैयार कर ली, और आप चाहे तो इसे स्टोर भी कर सकते हैं, अच्छे से ये क्रिस्पी रहती है अगर आप स्टोर करके रखेंगे तो, महीने भर इसे खा सकते हैं आप चाय के साथ या वैसे, बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लगेगी, आप एकदम अच्छी बनती। तो इस तरीके से आप इसे एक बार जरूर बनाकर देखना, आपको ये बहुत ज्यादा पसंद आएगी, आप इसे एक बार नहीं बार बार बनाना पसंद करेंगे, इतनी ज्यादा स्वादिष्ट बनती है। और एक दिन बाद का रिजल्ट भी मैं आपको दिखाऊंगी, और यहाँ मैं आपको एक दिन बाद ही दिखा रही हूँ, ये देखिए कितनी क्रिस्पी और अच्छी बनी है, और यहाँ पर बहुत ही अच्छी बनती है। आप चाहे तो इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं, 1 से 2 महीने आराम से खा सकते हैं। तो वीडियो तो आपको जरूर पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूले, और इसी तरह की यूनिक और नई नई रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आप इसे कोई भी ऐसे एयर टाइट कंटेनर के अंदर स्टोर करके रख दे, आप ट्राई करना और अपना फीडबैक जरूर देना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। बनाने वाले हैं झटपट और आसान तरीके से बिना किसी मशीन और सांचे के एकदम नए तरीके का टी टाइम स्नैक्स, और आप सभी को ये बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है क्योंकि बनाने में एकदम आसान, और इसे हम कुछ डिफरेंट तरीके से बनाने वाले हैं। तो वीडियो तो आप सभी को पसंद आने वाला है, बस वीडियो को पूरा देखे, अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूले। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले देखिए हमने यहाँ पर 3 से 4 आलू को ऐसे पीसेस में कट करके अच्छे से बॉईल कर लिया, तो आलू को आपको ऐसे ही बॉईल करना है एकदम अच्छा सा। इसके बाद हमने एक कच्ची करी ली है, इसको छील लेंगे तो यहाँ पर इसमें एक अच्छा सा फ्लेवर आएगा, इस तरीके से आप कच्ची करी डाल देंगे। तो अभी तो कच्ची करी का खूब सीजन है, इस तरीके से आप अलग अलग तरीके के स्नैक्स बना सकते हैं। तो यहाँ पर नॉर्मल ऐसे पीसेस कट करने के बाद आप चॉपर के अंदर डालकर पीस लेंगे, आप चाहे तो मिक्सर जार के अंदर भी डालकर पीस सकते हैं। उसके साथ में कुछ चीज और ऐड करेंगे, यहाँ पर हरा धनिया और पुदीना लिया मैंने, इससे एक अच्छा सा फ्लेवर और अच्छा सा ग्रीन कलर भी आएगा। उसके बाद डाल देंगे यहाँ पर लहसुन की कली 4 से 5, और 4 से 5 यहाँ पर हरी मिर्च ली है, इन सबको अच्छे से पीस लेंगे। साथ में जो आलू मैंने बॉईल करके रखा था उसको भी डाल देंगे इसके अंदर, तो साथ में ये अच्छे से पीस भी जाएगा, इसके अंदर ज्यादा पानी वगैरह डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो एकदम अच्छा सा बारीक पीसना है। और जो बाकी बच रहा है इसको भी हम बाद में थोड़ा पीसने के बाद डाल देंगे, तो यहाँ पर बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं, ज्यादा नहीं, 1 चम्मच के से भी कम मैंने पानी लिया, उसको एकदम अच्छे से पीस ले। तो यहाँ पर जितना बारीक और अच्छे से पीसेंगे उतना ही आपका एकदम अच्छा बनेगा, आपको छानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पर देखिए इसको हमने अच्छे से पीस लिया, एकदम स्मूथ अच्छा दिख रहा है। तो इसी के साथ में जो आलू बच रहा था उसको भी डालकर इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और यहाँ पर हमने इसको एकदम अच्छे से बारीक पीस लिया। अगर आपको लग रहा है तो यहाँ पर आप छान भी सकते हैं, लेकिन एकदम बारीक अच्छा सा तैयार हो गया, तो यहाँ पर इसमें कोई भी ऐसे बड़े पीसेस नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो बिल्कुल अच्छा सा देखिए तैयार है। अब इसमें कुछ चीजें और ऐड करेंगे, 1 चम्मच जीरा पाउडर, उसके बाद 1 कप मैंने यहाँ पर चावल का आटा लिया, आप चाहे तो मैदा या फिर आटा भी ले सकते हैं। उसके बाद डाल देंगे यहाँ पर 1/2 कप बेसन, और इसके बाद डाल देंगे यहाँ पर नमक, और नमक के साथ ही 1 चम्मच यहाँ पर चीनी डालने वाला है, इसका एक अच्छा सा फ्लेवर भी आएगा इसके अंदर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि मैंने पहले हरी मिर्च काफी डाली है, तो ज्यादा कुछ और नहीं डालेंगे, इसी को पहले मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा मिक्स करेंगे, उसके बाद जरूरत होगी तो इसके अंदर और चावल का आटा या फिर आप डाल सकते हैं जो भी इसके अंदर डालना चाहिए, इस तरीके से थोड़ा सा चावल का आटा और डाल देंगे, थोड़ा ज्यादा ही सॉफ्ट लग रहा है। साथ में 1 चम्मच डाल देंगे ऑयल, इससे एकदम खस्ता भी बनेगा क्रिस्पी होने के साथ साथ, और ऐसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और यहाँ पर अगर आप चाहे तो थोड़ा सा ग्रीन फूड कलर भी डाल सकते हैं अच्छा सा, क्योंकि हमने मैंगो का फ्लेवर दिया है, तो थोड़ा सा हल्का सा कलर अच्छा लगेगा, तो एक अच्छा सा फ्लेवर भी आएगा, देखने में भी अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर बिल्कुल थोड़ा सा ही मैंने डाला है, ज्यादा नहीं, तो हल्का सा ही आपको दिखाई देगा ऐसे, देखिए। और यहाँ पर देखिए इसको मिक्स कर लिया। अगर आपको लग रहा है कि ज्यादा लूज है तो थोड़ा सा आप चावल का आटा या मैदा या फिर गेहूं का आटा भी इस तरीके से डालकर थोड़ा मिक्स करके अच्छे से सेट कर ले, थोड़ा सा वैसे लूज ही रहेगा। इस तरीके से देखिए बैटर हमारा तैयार है। अब इसको ऐसे साइड में रख देंगे, आप चाहे तो 5-10 मिनट फ्रीज में भी रख सकते हैं, थोड़ा सा सेट हो जाएगा। उसके बाद हम तैयारी कर लेते हैं। मैंने खाली बोतल का कैप लिया है, इसके बाद गर्म करके ऐसे छेद करेंगे, तो बीच में एक बड़ा सा छेद करने के बाद चाकू गर्म करके ऐसे कट लगाएंगे, पहले 4 लगाएंगे, फिर 4 के बीच में ऐसे एक एक और लगा देंगे, तो इस तरीके से एक स्टार नोजल सा बनकर तैयार हो जाएगा। तो थोड़ा बीच बीच में गर्म करके ऐसे थोड़ा सा सेट करके ऐसे साइज में तैयार कर ले, ऐसे एकदम अच्छा सा बन जाता है, छोटे या बड़े साइज में आप बना सकते हैं। अब इसके बाद देखिए दूसरी तरफ हमने बोतल को भी ऐसे कट कर लिया, बिल्कुल छोटा सा हिस्सा चाहिए, कोई भी ऐसे खाली पैकेट ले सकते हैं जो भी आपके पास है, नमक के पैकेट या फिर थोड़े से ऐसे टाइट पैकेट लेंगे तो अच्छा रहेगा। हल्का सा ऊपर से ऐसे कट करेंगे, उसके बाद बोतल को अंदर डालेंगे जो हमने कट किया था, उसको ऐसे थोड़ा टाइट ही रखेंगे, ज्यादा बड़ा कट नहीं करना है, यहाँ पर थोड़ा बोतल के ऊपर आना चाहिए, उसके बाद ऐसे कैप लगा देंगे, टाइट होना चाहिए, और ये तैयार होगा एकदम अच्छे से। अब इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे अंदर ताकि चिपके नहीं, अच्छे से ये
जब आप बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इसके अंदर डाल देंगे हम जो हमने तैयार किया है, और यहाँ पर मैंने 5 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया था, तो हल्का सा आपको लगेगा कि थोड़ा सेट हो जाता है। तो जब भी आप कोई ऐसी चीज बनाते हैं तो लग रहा है कि नहीं बन रही है, तो 5-10 मिनट आप ऐसे फ्रीजर में या फ्रिज में भी रख सकते हैं कुछ देर के लिए, तो अच्छे से बन जाता है। और ये देखिए हमारा अच्छे से तैयार होगा ऊपर। और यहाँ पर देखिए हमने तेल गरम कर लिया, तो यहाँ पर आपका तेल एकदम बहुत ज्यादा तेज गरम भी नहीं होना चाहिए, और कढ़ाई के अंदर थोड़ा तेल ही कम डालना है। तो इस तरीके से बनाने में आपको दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल आसानी से आप राउंड में ऐसे बना सकते हैं, छोटे या बड़े साइज में। जब हल्का सा साइड में हो जाए तब आप दूसरा बनाए इस तरीके से। तो जितनी भी बड़ी आपकी कढ़ाई है उस हिसाब से आप बनाए। तो यहाँ पर जल्दबाजी में नहीं, थोड़ा सा ये पक जाते हैं तभी इसकी साइड चेंज करेंगे, बीच में थोड़ा हिलाते रहेंगे तो एकदम क्रिस्पी और खस्ता होने तक इस तरीके से पका लेंगे अच्छे से। तो जितना अच्छे से पकाएंगे उतने ही ज्यादा क्रिस्पी और अच्छे बनेंगे। तो यहाँ पर जल्दबाजी में पकाएंगे तो कलर ज्यादा डार्क भी हो जाएगा और एकदम क्रिस्पी नहीं बनेगा। तो इस तरीके से 2-3 बार साइड चेंज करके इसको एकदम क्रिस्पी खस्ता होने तक पका लेंगे। तो यहाँ पर बीच बीच में आप इस तरीके से हिलाते रहेंगे तो अच्छे से क्रिस्पी हो जाएंगे। आप चाहे तो स्टोर करके भी रख सकते हैं, 1 महीने भर के लिए भी इसे आराम से खा सकते हैं, एकदम क्रिस्पी और अच्छा बनता है। तो यहाँ पर पकाने का एक बड़ा ही रोल होता है, तो यहाँ पर जल्दबाजी में नहीं, अच्छे से क्रिस्पी हो जाते हैं तभी आप निकाल लें इसको। अब इनको निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर देखने से आपको पता चल रहा होगा एकदम क्रिस्पी और अच्छे से बने हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं और दिखा देती हूँ आपको बनाना इस तरीके से। और यहाँ पर देखिए तेल आपका थोड़ा मीडियम ही गर्म होना चाहिए, अगर आप तेज गर्म तेल में डालेंगे तो ये अच्छे बनेंगे भी नहीं और एकदम शेप भी खराब हो जाएगी। तो इस तरीके से आप बनाएं और बहुत ही अच्छा बनता है, आप ट्राई जरूर करना, आपको ये बहुत ज्यादा पसंद आएगा। और बिना किसी मशीन और सांचे के एकदम आसान तरीके से यूनिक और नए तरीके का टी टाइम स्नैक्स आप बना सकते हैं। तो इस तरीके से जैसे ही पक जाते हैं तभी आप चेंज करना, जल्दबाजी में नहीं, कुछ देर ऐसे ही पकाना, पहले 1 से 1.5 मिनट पकाने के बाद ही इसकी साइड चेंज करेंगे। तो इस तरीके से आप 2-3 बार साइड चेंज करके इसको पका ले, उसके बाद निकाल ले, एकदम क्रिस्पी और अच्छे से पक जाते हैं, उसके बाद ही आप निकालें। तो यहाँ पर देखिए देखने से आपको पता चल रहा होगा कितना अच्छा डिजाइन बनकर आया, जो हमने बोतल को कट करके बनाया है, कोई कह ही नहीं सकता कि आपने बिना किसी मशीन के बनाया है। तो इस तरीके से आप ऐसे खाली बोतल से भी अलग अलग तरीके के डिजाइन ऐसे बना सकते हैं, और मैंने कई वीडियो शेयर भी की है। और इसे बनाना तो देखा आपने कितना आसान, झटपट बन जाता है, बिल्कुल समय भी नहीं लगता, और एकदम अलग अलग तरीके से भी आप बना सकते हैं। जैसे मैंने राउंड में बनाया, आप लंबे साइज में भी ऐसे फटाफट सेव की तरह भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए सभी को हमने तैयार कर लिया, एकदम क्रिस्पी और खस्ता आपको देखने से ही पता चल रहा होगा, तोड़कर मैं दिखाऊंगी तो पता चल जाएगा। बस आप ट्राई करना, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, इससे मेरी सभी वीडियो आपको मिलती रहेगी। यहाँ पर मैं 1 से 2 घंटे बाद आपको दिखा रही हूँ, तो यहाँ पर तोड़कर दिखाऊंगी तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कितने क्रिस्पी अच्छे बने हैं। तो देखने में तो एकदम क्रिस्पी और अच्छे दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पर थोड़ा सा हम इसको तोड़ लेते हैं, तो ये देखिए एकदम क्रिस्पी और एकदम खस्ता बने हैं। ये हल्के से सॉफ्ट लगेंगे लेकिन एकदम क्रिस्पी भी आपको लगेगा, खाएंगे तो इसका स्वाद आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। हल्का खट्टा आपका कच्चे आम का जो फ्लेवर दिया है, और तीखा, और जो मैंने थोड़ी सी चीनी डाली है, हल्का मीठापन, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे नींबू के फ्लेवर की आप कोई बाहर से नमकीन वगैरह खा रहे हो, और एकदम अच्छा बनता है। तो आप ट्राई करना और कमेंट करके फीडबैक जरूर देना। चलिए जल्द मिलते हैं और नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।